hello IP students today our topic is uh, mysql and in this lecture we are going to discuss some statement related to mysql so first of all sql create database statement so you if you want to create a database in mysql so there is a statement which you, which you have to write that is create database and just start after name of the database Okay, just like that. Create database and suppose name of the database test db. So you can write test db just after that the keyword database. Now after the execution of that statement, a new database will be created in MySQL. So that is the create database statement. Next is MySQL use database. Now if you want to use an existing database, for that purpose there is a statement use and then after database name whatever it is and if it is already exist then you can able to use it otherwise it will show you an error. For example if uh, as you know that we just created a database named testdb so if you want to use it then just type use.

ओवरऑल फिफ्टीन कमांड्स एटलीस्ट आपको याद करनी है लिखना है आपको प्रैक्टिकल फाइल में ट्वेंटी वन प्रोग्राम्स आप ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग के हो चुके हैं अभी तक इसमें ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो आपको देखना लिखना है इसको ये एस का पार्ट है और ये भी प्रैक्टिकल में ही लिखना है आपको प्रैक्टिकल फाइल में एटलीस्ट फिफ्टीन कमांड्स लिखनी है ये अभी आपको कमांड नंबर थ्री है शो डेटाबेस स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखना है आपको ठीक है तो अभी देखते हैं शो डेटा बेस तो अभी क्या किया आपने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया डेटा को यूज़ कर लिया लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें इतना काम करना होता है कि हम डेटाबेस को क्रिएट करके भूल जाते हैं नीम भूल जाते हैं उसका हमको याद नहीं है कि किस नाम से हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था नाउ एट द टाइम आपको एक ऐसी कमांड uh, की रिक्वायरमेंट है कि जिस जो आप टाइप करें तो आपके जितने भी डेटा हैं वो विजिबल हो जाए आपको पता चल जाए कि कौन कौन से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहे हैं माई एस्व के अंदर ठीक है माई स्क्वल सॉफ्टवेयर के अंदर तो अभी uh, उसके लिए क्या करना होगा आपको आपको कमांड टाइप करनी होगी शो डेटा बेस शो डेटा बेस शो डेटा करते ही ठीक है शो डेटा बेसिस ये ध्यान रखिएगा सो डेटा बेसिस में डेटा uh, वे बी एस सी एस ये पूरा होगा कम uh, कम्प्लीट लिखना होगा आपको तभी ये कमांड वर्क करेगी और दूसरा ये आप सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दैट एस क्यू एल इज़ केस इनसेंसिटिव केस इनसेंसिटिव है ये यहाँ पर और जब हम कहते हैं केस इनसेंसिटिव तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये होता है कि कैपिटल स्मॉल में लिखने से आपको कमांड के एग्जीक्यूशन पर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे आप इसमें लिखा है शो डेटा बेस को मैंने स्मॉल में लिखा है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कमांड फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और एक्चुअली ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है आप देख भी पा रहे हैं ये एस में रन की गई कमांड है तो आप देख पा रहे हैं इसका इसकी का स्क्रीन लिया गया है यहाँ पर तो डिफरेंट डेटा बेस हैं अब इसमें आपने देखा देखिए तो ऐसा नहीं है कि आपको डेटा बेस क्रिएट करना होगा तभी आप काम कर सकते हैं एक डिफ़ल्ट डेटा बेस भी होता है माई एस तो अभी आपने अगर उसे बना रखा है बनाया नहीं है कोई नया डेटाबेस न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है तो आप माई स्केल के अंदर अपना काम कर सकते हैं ठीक है डायरेक्ट ओपन करेंगे ओपन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है वो वे डिफॉल्ट ओपन ही होता है माई स्केल ही ओपन होता है लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि आपकी सभी फाइल एक न्यू डेटाबेस के अंदर आ जाए और आप उसको देखना चाह रहे हैं अपना सभी रिकॉर्ड एक डेटाबेस के अंदर करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा उसको यूज़ करना पड़ेगा एवरी टाइम जब भी आप एम आई स्केल पर जाएँगे तो आपको वो आपको यूज़ आफ्टर दैट आप उसको डेटा का नेम लिखना पड़ेगा उसके बाद जब वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा तो उसमें जो भी कुछ काम करेंगे वो सेव हो जाएगा आपका ठीक है और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं अपना जनरल वर्क करना चाहते हैं अपना जो भी है आपका तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप शो डेटा बेस की तो तो आप ऑलरेडी इसके अंदर माई है डेटा बेस माई एस क्यूल देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए ये देखिए आप माई एसक्यूल ठीक है थोड़ा सा और लार्ज जूम करता हूँ मैं इसको ये माई एसक्यूअल ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं आप ठीक है तो आ, ये कमांड थी आ, शो डेटा बेस इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप नेक्स्ट देखते हैं आप, शो टेबल्स तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपने डेटाबेस को यूज़ किया डेटाबेस के अंदर टेबल भी बना दी डेटाबेस का नाम याद है आपको ठीक है लेकिन टेबल अब भूल गए कि कौन कौन सी टेबल है इसके अंदर तो आपको क्या करना है तो आपको करना ही है सबसे पहले तो देखिए डेटा के अंदर एंटर करेंगे आप तो यूज़ प्रैब लिखा हुआ है प्रैब यहाँ पर एक डेटाबेस का नेम है ठीक ये एक डेटा का नेम है यहाँ पर तो हम प्रेप डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए अब मुझे ये पता करना है कि इस प्रैप डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक कमांड लिखनी पड़ेगी शो टेबल्स शो टेबल्स ये लिखना पड़ेगा ऐसा करते ही जितनी भी टेबल्स हैं वो सभी शो हो जाएंगी ये देखिए एस वन एस टू एस थ्री और एस ये फोर टेबल्स हैं तो जितनी भी ये टेबल्स हैं ये आ जाएगा जब आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जितनी रोज सेलेक्ट होता है उतने को दिखाता है जैसे यहाँ लिखा हो फोर रोज इन वन सेट और टाइम भी दिखाता है जीरो पॉइंट वन सेवन सेकेंड्स तो इतनी टाइम के अंदर ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है तो ये जब आप एग्जीक्यूट हो जाता है तो इस तरीके से आउटपुट शो होता है ये ध्यान रखिएगा आप काम करेंगे एम आई एज तो आपको पता चल जाएगा तो ये आपका शो टेबल के थ्रू हम टेबल्स जितनी भी हैं उनको जान सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल हैं और फिर हम उस पर्टिकुलर टेबल को ओपन करके जो भी हमें वर्क करना है वो हम वर्क कर सकते हैं तो ये शो टेबल था ठीक है नंबर फोर अब बात करते हैं नंबर फाइव एज कल टेबल दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड क्रिएट टेबल स्टेटमेंट सेंटेक्स आप देख ही पा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्रिएट टेबल क्रिएट टेबल लिखा आपने देन आफ्टर दैट नेम ऑफ द टेबल तो जो आप नेम ऑफ़ द टेबल देंगे तो इसमें ये याद रखिएगा कि अगर नेम आपका आपको ऐसा लगता है कि इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू वर्ड्स तो आप अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स को ठीक है और अंडरस्कोर का साइन वैलिड भी होता है आपका uh, जब कभी भी हम टेबल का नेम क्रिएट करते हैं उसके बाद आपने देखा पैरेंथिस का साइन है और पैरेंथिस के साइन के अंदर हमको डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करने हैं अभी कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं कितने भी हो सकते हैं और जितने भी कॉलम्स हम क्रिएट करेंगे उन सभी को कॉमा से सेपरेट करेंगे दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सिंटेक्स बहुत सिंपल है आपको करना ये है आपको करना ये है कि कॉलम नेम लिखना है सबसे पहले उसके बाद उसका तो डेटा टाइप जो इंट हो सकता है डेट हो सकता है कैर हो सकता है वेर हो सकता है ठीक है ये सभी डेटा टाइप्स हैं और देन आफ्टर उसका साइज तो उसका साइज़ लिखना पड़ेगा इंट का साइज़ नहीं लिखते हम कैर varchar में साइज़ लिखते हैं डेट का भी साइज़ नहीं लिखते तो कुछ डेटा बेसिस के साथ साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है कुछ के साथ नहीं होती तो जिनके साथ नहीं होती उनको हम नहीं लिखते हैं जिसके साथ होती है उसको हम लिखते हैं और उसके बाद जब आप कर ली ये आप पेरेंट्स का साइन क्लोज कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको सेमी कॉलोन लगाना होगा जो इंडिकेट करेगा कि सेंटेंस टर्मिनेट हो चुका है यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि ये हम एक लाइन के अंदर नहीं लिख सकते या हमको लाइन चेंज करनी पड़ेगी या एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है आप इसे कंप्लीट स्टेटमेंट को विदिन अ सिंगल लाइन भी लिख सकते हैं और वो तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फिर इस इसे इसको इस तरीके से क्यों लिखा गया है इसको लिखने की एक वजह है और वजह ये है कि हमें इसमें क्लियरली शो करना है कि हमने क्रिएट टेबल कहाँ लिखा डिफरेंट कॉलम्स नेम कहाँ है ठीक है और जितने भी कॉलम्स नेम हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं वो एंड हो रहे हैं तो इसलिए पहले का साइन में मैंने और कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा और जहाँ पैरेंथेसिस को क्लोज़ किया उसके बाद भी कुछ नहीं लिखा सेमी कॉलन लिखा है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कमांड है और इस तरीके से आपको याद करना भी आसान रहेगा आप गलती नहीं करेंगे इसमें ठीक है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसी तरीके से लिखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फर्स्ट लाइन में क्रिएट टेबल टेबल नेम भी लिखना है और नेक्स्ट लाइन में आपको पैरेंथेसिस ही लिखना है ऐसा कुछ नहीं है आप इसे सिंगल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे कमांड टाइप करने में सबको पता होगा कि आपने क्रिएट टेबल लिखा है टेबल का नेम लिखा है फेरेंसिस का साइन ओपन और क्लोज है प्रॉपरली नहीं कॉलम नेम में डेटा टाइप और साइज मेंशन है कि नहीं तो इस तरीके से लिखा जाता है एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा इसे ये देखिए ये ऑलरेडी एक टेबल इसमें बना देखिए स्क्रीन है तो ये एग्जीक्यूटिड है आप देख भी पा रहे हैं नीचे लिखा भी होगा क्वेरीओ के जीरो रोज इफेक्टेड जीरो पॉइंट वन फोर सेकेंड इस तरीके से आउटपुट आता है हमेशा ये कितनी रोज़ अफेक्ट हुई हैं उससे अफेक्टेड हुई हैं और कितने टाइम लगा उसको एग्जीक्यूट होने में ये भी आता है जब कभी भी आप एग्जीक्यूट करते हैं आई स्केल में तो चलिए अभी आपने क्या किया इसके अंदर आपने लिखा क्रिएट टेबल एस टी अंडर स्कोर इन्फो वन अभी ये नाम आपको थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा एस टी अंडर स्कोर इन्फो वन एक्चुअली एस टी अंडर स्कोर इन्फो एस टी स्टूडेंट ये नेम ऑलरेडी थे टेबल बनी हुई थी इस नेम से तो इस तरीके से नेम लिया है यहाँ पर एस टी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फो info इन्फॉमेसन को तो स्टूडेंट की इन्फॉमेसन मुझे लेनी है एक टेबल uh, क्रिएट करनी है जो स्टूडेंट की इन्फॉमेशन को शो करें एस टी अंडर स्कोर इन्फो ले सकता था मैं लेकिन ये ऑलरेडी है इसके अंदर पहले से तो अब लेना होगा एस टी अंडर स्कोर इन्फो वन आप कुछ भी ले सकते हैं एस भी ले सकते हैं टी भी ले सकते हैं एस टी अंडर स्कोर भी ले सकते हैं स्टेडर स्कोर इनफो भी ले सकते हैं ये आपकी चॉइस है नेम आप टेबल का किस तरीके से ले रहे हैं लेकिन जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं क्रिएट टेबल में वो फॉलो करने होंगे वो रूल्स ये हैं कि वो नंबर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए नेम कभी भी और अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं ठीक है इस्मॉल कैपिटल लेटर्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब कभी भी आप इसमॉल या कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे इस तो आपको फिर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से उस टेबल को एक्सेस भी करना होगा आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर एस टी में एस टी कैपिटल ले लिया एस टी इंडस्ट्रफो में और फिर आप इसको देखना चाह रहे हैं डेटा को तो एस टी को आपने स्मॉल में लिखा है तो फिर डेटा में बेस में उस टेबल को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो जो आप नेम लेंगे एग्जैक्ट वही नेम आपको यूज़ करना होगा ठीक है एक तो ये पॉइंट था तो अभी क्रिएट टेबल एस टी एंडर्स क्वेंटो वन ये आपने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया उसके बाद रोल नंबर लिया तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का होता है तो हमने लिखा इंटीजर के लिए हम आई एन टी लिखते हैं कॉमा लगाया फिर लिखा फर्स्ट नेम ठीक है सेकंड ये सेकंड कॉलम का नेम है फर्स्ट नेम डेटा टाइप लिए इसका हमने वेरकेर साइज ले लिया फिफ्टी आफ्टर दैट हमने लिया लास्ट नेम डेटा टाइप ले लिया वेरकेर साइज ले लिया हंड्रेड फिर एक ले लिया एड्रेस डेटा टाइप ले लिया वेर कै और साइज ले लिया टू फिफ्टी फाइव क्लोज किया और फिर सेमी कॉलर लगाया प्रेस किया आउटपुट आ जाएगा आपका देखिए जब कभी भी स्टिंग की बात चलती है तो हमें या तो कह लेना होता है या वेर कह लेना होता है तो ये बड़ा कॉमन है ठीक है जैसे जैसे आप टेबल क्रिएट करेंगे आगे हम देखेंगे इसके अंदर तो आपको और डेटा बेसिस के बारे में पता चल जाएगा डेट के लिए डेट डेट के लिए हम डेट आपका डेटा टाइप लेते हैं इस्टिंग के लिए हम स्टिंग के लिए हम कैर वेरकर यूज़ कर सकते हैं कैर और वेरकर में डिफरेंस ये है कि कैरकम में जो कॉन्सेप्ट है वो राइट पैडेड विद स्पेस का कॉन्सेप्ट है जबकि वेरकर में ऐसा नहीं होता है एयर वेरकर का मतलब ही वेरिएबल लेंथ होता है तो अभी जैसे आपने कैर लिया मान लीजिए आपने साइज़ आपका आपने फिफ्टी लिया कैर के साथ डिक्लेयर किया और जो आपकी एंट्री है नेम की कॉलम की वो सपोज टेन करेक्टर्स की है तो जो फोर्टी करेक्टर्स का स्पेस है वो वेस्ट नहीं होता है इन द केस ऑफ कैर डेटेड टाइप अगर आपने कैर लिया है तो तो सभी स्पेस वो तो वो जो रिमेनिंग uh, uh, आपका जो मेमोरी uh, होगी वो स्पेस से फुलफिल हो जाएगी इसी को राइट पैडिटिव स्पेस बोलते हैं वेरकर में ऐसा नहीं होता वेरकर का नाम वेरकर का मीनिंग ही वेरिएबल लेंथ है तो ये है तो जैसे जैसे अभी हम आगे देखेंगे और टेबल भी क्रिएट करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के और डेटा टाइप्स यूज़ होंगे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया इससे फिर समझाने के लिए कि टेबल क्रिएट कैसे करते हैं ओके चलिए आगे देखते हैं अब यह है नंबर सिक्स स्टेटमेंट एस क्यूएल इंसर्ट इन स्टेटमेंट देखिए अभी हमने टेबल को क्रिएट किया और टेबल को क्रिएट करने पर ये शो कर रहा है जीरो रोज़ अफेक्टेड अभी क्यों शो कर रहा है क्योंकि सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर ये बात भी जाना आपको ज़रूरी है कि ये क्रिएट टेबल स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट डी का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो जहाँ आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटा की जितनी कमांड्स हैं आपकी वो डी में शो वो डीटीएल में आती हैं और डेटा की मैनिपुलेशन से रिलेटेड जितनी कमांड्स आप डेटा पर कोई भी काम कर रहे हैं चाहे डेटा को डिलीट कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं ठीक है अपडेट कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं या देख ही रहे हैं डेटा को सिंपली तो वो आपका डी एम एल में आती है अभी हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है और कुछ नहीं किया इसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं हुआ टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर और हमें सिर्फ ये मालूम है कि टेबल का नेम एस टी एंड स्कोरफो बन है उसमें कॉलम्स हैं रोल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस पर डेटा नहीं है तो इसलिए क्रिएटेबल जो कमांड है वो आपकी डी डी एल स्टेटमेंट होती है इसलिए यहाँ पे दिखा भी रहा है जीरो रोज अफेक्टेड नहीं कोई किसी भी रो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि रो पर हमने काम ही नहीं किया हमने तो स्ट्रक्चर क्रिएट किया टेबल सिंपली एक टेबल क्रिएट किया ठीक है इंसर्ट इंटू कमांड अब इंसर्ट इंटू कमांड की अगर हम बात करें तो इंसर्ट इंटू कमांड आपका डी एम एल में आता है अब टेबल क्रिएट करने के बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि आपको टेबल में जो रो होगी उसमें आपको डेटा को इंसर्ट करना रो वाइज इंसर्ट करते हैं हम डेटा को ऑलवेज एसक्यूएल uh, के अंदर ठीक है तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूजिंग एसक्यूएल इंसर्ट इन इंटू स्टेटमेंट हम डेटा बेस के अंदर डेटा uh, अपनी टेबल के अंदर जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया है या कोई भी पहले से एग्जिस्टिंग टेबल है हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं ठीक है तो जिसको हम बोलेंगे कि हमने एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया मतलब जैसे ये है कि अभी आपका एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डालनी है तो मुझे उसमें मैंने स्टूडेंट का नेम रोल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस ये कंप्लीट इन्फॉमेसन फुल कर दी तो इसको एक रिकॉर्ड बोला जाएगा तो हम वन बाई वन रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इंटी कमांड के थ्रू तो चलिए इसका सेंटेक्स देखते हैं सबसे पहले आपको लिखना ही है अब इसमें इंसर्ट इनटू इस स्टेटमेंट थ्री डिफरेंट वेज़ में यूज़ किया जा सकता है इसको आप समझिएगा मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे बेसिकली तो टू ही है ठीक है लेकिन मैं आपको थ्री डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा कि कैसे इंसर्ट इनटू कमांड्स को यूज़ किया जा सकता है तो सबसे पहले तो आपको इंसर्ट इंटू लिखना होगा ओके इंसर्ट इंटू लिखने के बाद टेबल का नेम जिसमें में भी आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये देख पा रहे होंगे आप उसके बाद कॉलम के नेम्स जितने भी कॉलम्स हैं जिसमें भी आप डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है सपोज़ किसी टेबल में फोर कॉलम्स हैं लेकिन आप डेटा इंसर्ट सिर्फ थ्री कॉलम में करना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं कॉलम्स का नेम को देना पड़ेगा फोर को देने की ज़रूरत नहीं है अपने कॉलम्स में जिस जिस कॉलम में आप डेटा डेटा की एंट्री करना चाह रहे हैं सिर्फ उन कॉलम्स के नेम दे दीजिए यहाँ पर ठीक है और फिर देखिए पहले साइन के अंदर क्लोज़ कर दिया ये अब आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उसके बाद कीवर्ड लिखिए वैल्यूज़ और फिर उसी सीक्वेंस में सेम सीक्वेंस में वैल्यूज़ को दे दीजिए अब यहाँ पर सीक्वेंस बहुत मैटर करता है ठीक है सपोज कॉलम नेम वन रोल नंबर है तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वन में शो होगी आप यहाँ पर नेम नहीं दे सकते ठीक है और वैसे भी अगर आप नेम देंगे तो एरर शो करेगा क्यों शो करेगा वो शो इसलिए करेगा क्योंकि रोल नंबर तो इंटीजर टाइप का है और नेम आपका वेर वेरकेट टाइप का है तो यहाँ पर जो कॉलम होगा उसका जो डेटा टाइप होगा उसका डेटा टाइप वैल्यू वन के डेटा टाइप से मैच करना चाहिए नेम में आपने एड्रेस दे दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो इंसर्ट हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये अलग बात है वो रॉन्ग एंट्री होगी उसका कोई सेंस नहीं होगा लेकिन आप इंटीजर में फ्लोट वैल्यू को नहीं ले सकते या हम कहें कि स्टिंग को नहीं ले सकते तो वो आपको देखना होता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स के नेम दिए हैं उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू भी देनी होगी और उसी के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू देनी होगी ठीक है डेटा टाइप का ध्यान रखना है दूसरा ध्यान ये भी रखना है आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि नेम में आपने एड्रेस दे दिया एड्रेस में नेम दे दिया तो उसके इसमें क्या होगा डेटा टाइप तो मैच कर जाएगा लेकिन वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी ठीक है तो सीक्वेंस भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि हम एंट्री क्या करने जा रहे हैं उसके अंदर तो ये सिंपल सी कमांड थी अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी कॉलम्स में वैल्यू इनसेट करना चाहें और हमको कॉलम नेम लिखने ना पड़े ठीक है तो आंसर है यस बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आपको सभी कॉलम्स में डेटा को इंसर्ट करना है और आप तो उस समय ये कॉलम लिखने की कोई बाउंडेशन नहीं है रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है इस केस में कोई आप इंसर्ट इनटू लिखिए टेबल नेम लिखिए लेकिन यहाँ तक कमांड सेम है उसके बाद कॉलम्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस केस में अगर आप सभी कॉलम में डेटा एंटर करना चाह रहे हैं तो खाली वैल्यूज़ लिखिए और वैल्यूज़ को लिख दीजिए और यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो यही है कि डेटा जो इंसर्ट होगा वो सभी कॉलम्स में जो वो आपका जितने भी कॉलम्स हैं सभी कॉलम्स में इंसर्ट होगा वैल्यूज आपको सभी देनी पड़ेंगी और उसी सीक्वेंस में देनी पड़ेंगी जिस सीक्वेंस में आपने टेबल को बनाया है जैसे फॉर एग्जांपल पिछली किस्त में सबसे पहले इंट था उसके बाद नेम फर्स्ट नेम था फिर लास्ट नेम था फिर एड्रेस था उसी सीक्वेंस में वैल्यू देनी पड़ेगी अब यहाँ पर सीक्वेंस टेबल टाइम पर जो क्रिएशन हमने क्रिएट किया था वही सीक्वेंस हमको फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट में ऐसा नहीं था फर्स्ट में ये जो सिंटेक्स है आपका इसमें क्या है आपका कि एक तो हम जो कॉलम का सीक्वेंस यहाँ मेंटेन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू सेट करनी पड़ेगी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एडवांटेज है और सेकंड ये था कि इसका एडवांटेज कि इसमें अगर हम पर्टिकुलर किसी कॉलम में एंट्री करना ही नहीं चाह रहे तो हम उस कॉलम को मैंशन नहीं करेंगे ना ही उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू देने की कोई ज़रूरत है ठीक है तो ये तो उस केस में था कि आपको पर्टिकुलर किसी कुछ कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप इसको फॉलो करोगे लेकिन आपको सब में करनी है तो ऐसा तो नहीं है कि सभी कॉलम नेम को लिखो सेम लिखो तो उसका कोई सेंस भी नहीं बैठता है तो उसके लिए फिर आप इसको यूज़ कीजिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ लिख के उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए थे टेबल में उसी कॉलम्स के अंदर हम वैल्यू लिख देंगे वैल्यू तो इंसर्ट हो जाएंगी इसके अंदर आई थिंक अब ये बात समझ में आ गई होगी सभी को ठीक है आगे देखते हैं ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर ये देखिए इंसर्ट इनटू ये क्लियरली लिखा हुआ है इनटू एस टेंडर्स इन वन तो एस टी अंडर्स अंडर स्कोर इन्फो वन के अंदर डेटा इंसर्ट करना है कॉलम का नेम है रोल नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस और मैंने लिखा वैल्यूज तो ये वैल्यूज इंसर्ट होगी वन प्रवीण सिंह वाराणसी ये इंसर्ट हो गई इसके अंदर सेमी कॉलम लगाया स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया आंसर भी आएगा देखा क्वेरी ओके वन रो इफेक्टेड ये बता रहा है कि एक रो इफेक्ट हो रही है इससे इसके थ्रू और टाइम इतना लिया है जीरो पॉइंट थ्री वन सेकेंड कमांड एग्जीक्यूट हो गई आपकी सेकेंड केस में हमने क्या किया हमने सोचा कि जब सभी कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट ही करनी है क्या ज़रूरत है कॉलम नेम लिखने की तो हमने फिर सेकेंड सिंटेक्स को फॉलो किया हमने लिखा इंसर्ट इन टू एस टी इन्फो वन देन वैल्यूज़ और फिर हमने वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सभी वैल्यूज लिख दी टू मनीष शर्मा डैरी ये सभी वैल्यूज़ लिख दी आपने ओके एग्जीक्यूट करेंगे आंसर आएगा क्वेरी ओके वन नो अफेक्टेड ठीक है तो एक तो ये था आपका चलिए अब जो थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है ठीक है उसको तो समझ लीजिएगा आप देखिए अगर आपको किसी एक टेबल के अंदर टेन एंट्रीज़ करनी है फिफ्टी एंट्रीज़ करनी है या फिर हंड्रेड एंट्रीज़ करनी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंसर्ट इनटू कमांड हर बार लिखना पड़ेगा इस स्टेटमेंट हर बार लिखना, लिखना पड़ेगा ऐसी ज़रूरत नहीं है इसको एक बार लिखिए और एक बार वहीं आप डिफरेंट रोज़ आप मेंटेन कर सकते हैं एंट्री कर सकते हैं डिफरेंट रोज़ में डेटा की कैसे देखिए इंसर्ट इंटू टेबल नेम यहाँ तक तो पहले की तरह हम लिख ही रहे थे तो उसमें तो कुछ है ही नहीं कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए उसके बाद वैल्यूज़ लिखेंगे कि वह कॉलम नेम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अदरवाइज़ अगर सभी कॉलम एंट्री करनी है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन याद रखिएगा अगर कॉलम नेम लिखेंगे तो फिर उन्हीं कॉलम्स के लिए एंट्री आपको करनी पड़ेगी और उसी ऑर्डर में करनी पड़ेगी ठीक है और अगर नहीं लिखेंगे तो जो डेटा बेस में जो टेबल है आपकी उस टेबल में जो आपका एट द टाइम ऑफ टेबल सिलेक्शन जो आपने ऑर्डर लिया है और जितने कॉलम्स लिए हैं उसी कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी पड़ेगी देखिए इसमें तो वैल्यूज़ तो फर्स्ट वैल्यू हो गई यहाँ तक थ्री पवन वशिष्ठ नोएडा ये थ्री हो गया रोल नंबर पवन हो गया नेम वशिष्ठ हो गया लास्ट नेम नोएडा हो गया एड्रेस यहाँ तक ये आपका सेकंड टेबल वी देखिए इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है पर जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है अब आपको एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो अब आप उसके बाद अगर आपको ऐसा करना है और एक बार में करना है आपको तो कॉमा लगाइए इसके बाद और फिर पैरेंसिस के अंदर नेक्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री कर दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है फोर मनीषा पाल मेरठ ठीक है तो ये हो गया आपका आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी। चलिए तो इस तरीके से डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है तो ये ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड ऑप्ट कर रहे हैं ठीक है मोर देन वन रिकॉर्ड्स अगर आपको इंसर्ट करने तो ये लास्ट का जो है आपका वो आपका ज़्यादा अच्छा मेथड है अरे आगे देखते हैं तो ये नंबर सेवन है एस क्यू एल सेलेक्ट क्वेरी अभी टेबल क्रिएट कर दिया आपने उससे पहले डेटा बेस क्रिएट किया था ठीक है और डेटा एंटर भी कर दिया आपने अब आप डेटा को देखना चाह रहे हैं तो जो डेटा आपका बना है इंसर्ट इनटू कमांड में इंसर्ट कर दिया ये आपको पता है लेकिन आपको ये कंफर्म करना है कि डेटा इसके अंदर है या फिर हमको पर्टिकुलर कुछ डेटा ही देखना उसका एक पार्ट देखना डेटा का कंप्लीट डेटा देखना ही नहीं है फॉर एग्जांपल मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम जानने हैं मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उनका लास्ट नेम क्या है उनका एड्रेस क्या है उनका रोल नंबर क्या है तो ये इस तरीके से भी एक्सेस किया जा सकता है पर्टिकुलर किसी टेबल के डेटा को और उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो यूज़ होता है एसक्यूएल क्वेरी ठीक है एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी तो ये एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरी में अभी जो सेलेक्ट के थ्रू हम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलम वाइज ठीक है रो वाइज भी हम फिल्टर कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे कैसे तो ये देखिए सबसे पहले आपने लिखा सेलेक्ट कॉलम वन कॉमा कॉलम टू कॉलम एन सेलेक्ट लिखिए सेलेक्ट के बाद जितने भी कॉलम्स हैं जो आप देखना चाह रहे हैं इस कॉलम्स का भी डेटा उन सभी कॉलम्स के नेम लिख दीजिए ठीक है उसके बाद कीवर्ड फ्रॉम लिखिए और फ्रॉम कीवर्ड के बाद टेबल का नेम लिख दीजिए तो इसके बाद जब आप टेबल का नेम लिखेंगे तो होगा क्या कि सिर्फ़ ये कॉलम विज़िबल होंगे बाकी और कोई कॉलम विजिबल नहीं होगा है भी तो भी नहीं होगा क्योंकि तो जो कॉलम ने आपने सेलेक्ट के साथ लिखे हैं सिर्फ वही कॉलम का डेटा स्क्रीन पर शो होगा बाकी और किसी कॉलम का डेटा स्क्रीन पर शो नहीं होगा और अगर हम कंप्लीट टेबल देखना चाह रहे हैं सभी कॉलम्स शो करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सभी कॉलम्स का नेम लिखने की ज़रूरत है आप लिख सकते हैं लेकिन उसका एक शॉर्टकट भी है आप वहाँ फिर तो स्टार लिखिए सिर्फ स्टार मार्क कर दीजिए तो सेलेक्ट स्टार फ्राम टेबलिंग उस केस में जो टेबल होगी उससे रिलेटेड जितने भी कॉलम्स होंगे उन सभी का डेटा स्क्रीन पर शो हो जाएगा ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सेलेक्ट स्टेटमेंट चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जैसे यही था टेबल अभी हमने बनाई थी स्टैंडर्ड स्क्रीन फ्रो वन और उसके अंदर हमें मालूम था कि एक तो कॉलम रोल नंबर है एक फर्स्ट नेम है एक लास्ट नेम है और एक एड्रेस है अब मुझे जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ये जानने में है रोल नंबर और फर्स्ट नेम को तो मैं लिखूँगा यहाँ पर सेलेक्ट सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा फर्स्ट नेम फ्रॉम देन आफ्टर टेबल नेम टेबल नेम क्या है यहाँ पर एस टी अंडर स्कूल इन्फो वन और फिर इसके बाद सेमी ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये रोल नंबर और ये जो फर्स्ट नेम है ये कॉलम नेम है ठीक है चलिए तो कुछ डेटा इस तरीके से शो होगा फोर डेटा यहाँ पर आ गया आपका प्रवीण मनीष पवन मनीष है तो ये डेटा आ जाएगा जैसा भी डेटा जो भी इंसर्ट किया वो डेटा आपका शो हो जाएगा और अगर आपको सिर्फ एक ही कॉलम देखना है तो क्या करेंगे तो देखिए सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट इन फोम सभी का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर ओके और अभी हम ये जानना चाहते हैं हम तो कंप्लीट डेटा ही देखना चाहते हैं टोटल डेटा देखना चाहते हैं टेबल का कोई कॉलम पर फिल्टर ही नहीं लगाना चाहते तो उस केस में आपको क्या करना है उस केस में करना आपको ये है कि आपको लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी एंडर स्कोर इन्फो वन तो ये टेबल का नेम है एस टी एंडर स्कोर इन्फो वन सेमी कॉलम लगाया तो इसके बाद क्या होगा जैसे ही ऐसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कम्पलीट डेटा शो होगा उसका ये कम्प्लीट डेटा है देखिए सभी कॉलम्स आ रहे हैं इसके अंदर और सभी रिकॉर्ड शो हो रहे हैं ये दिखा भी रहा है नीचे फोर रोज इन सेट ठीक है और ये इतना टाइम दिखा है इतने टाइम के अंदर ये, ये एग्जीक्यूट भी हो गया तो ये आज का वीडियो था कुछ इंपॉर्टेंट हमने स्टेटमेंट को डिस्कस किया इसके अंदर आई होप अभी ये आपको समझ में आ गया होगा ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका प्रैक्टिकल कॉपी में लिखी है इन कमांड्स को और एग्जीक्यूट करके देखिए ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है जब मैं स्कूल पर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये इसी तरीके से आउटपुट शो होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और, और माई से रिलेटेड कमांड्स को डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो